दुपट्टे भी ये रेडीमेड है या साबूदाना खिचड़ी घर में बनता बहुत कम है पर ये हम सब बहुत पसंद करते मतलब मेरी और मिथुन की बात करी हूँ आर्यन नहीं इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ मेरी ननद की जो कि आज तक आप लोगों ने नहीं देखा एक्चुअली मेरी शादी के बाद उसके बाद तो दीदी भाई यहाँ पे थे पर एक टाइम के बाद वो यूएस चले गए थे और हम लोग भी यहाँ पे आ गए थे तो इस तरह से उनका भी जॉब है यहाँ पे हम लोग भी यहाँ पे थे तो इसलिए हमारे मिलना नहीं हुआ जब से मैंने ये चैनल शुरू किया था मेरा बहुत मन था कि आपके साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाना और आज वो मौका हमें मिला है क्योंकि दीदी भाई अपने ऑफिस के काम के लिए दो तीन कलीग्स बैंगलोर आए थे और उसी दिन हम थे होटल में इसलिए हम मिल भी नहीं पाए उस दिन अदरवाइज हमारा मन था कि बर्थडे पर्पस में एक अच्छे से डिनर हो जाए पर वो नहीं हुआ तभी एयरपोर्ट दीदी भाई भी जाने वाले हैं वापस मुंबई तो एयरपोर्ट में हम मिलेंगे तो इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं दीदी भाई से तो सोचा कि कोई गिफ्ट ले ले यहाँ से हाँ यहाँ पे मिल जाएगा चॉकलेट गिफ्ट ऐसा सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे Like a cargo, you will carry me. I just hope you know my time. Actually, इतने सालों बाद हम मिले मैं कभी सोचा नहीं था कि आज अचानक से इस तरह से मिल जाएंगे मिल जाएंगे exactly. बहुत ज्यादा मतलब वेट किया शादी के बाद से इतना सारी चीजों में हम देखे पर पंद्रह साल शादी में पहली बार हाँ तो हम सबका थोड़ा सा अड्डा और चाय वाय पीना हो गया सो गाइस आ चुके हैं हम घर तो अभी डिनर के लिए कुछ प्लानिंग कुछ करना तो पड़ेगा ना यहाँ पे भी है ऑस्कर मेलो का खाना पर आज मैं क्या सोच रही हूँ एक्चुअली ढाई किलो आलू शायद घर में है मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाया जाए दम आलू बिरयानी या सिंपल सा आलू पोस्तो जो कि हम सबका बहुत ज्यादा फेवरेट है तो अभी रात के टाइम में क्या बनाया जाए तो मिथुन से पूछा मिथुन बोल रहे हैं कि थोड़ा लाइट बनाना ही सही है चारों तरफ बर्तन फैले हुए राधिका ऐसे क्लीन करने के बाद ना और बाद में मुझे टाइम नहीं मिला कि ऐसा चीज अरेंज करूं तो ये सब मैं थोड़ा सा पहले अरेंज कर लेती हूं उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करते हैं तो दीदी कितना बचा है तो मुझे नहीं लगता कि एक डजन से ज्यादा एक की जरूरत है डेढ़ डजन ले लेते हैं डेढ़ डजन का क्या करूँ लास्ट टाइम कोलकाता जाने के टाइम में याद है कि कितने सारे सामान ऐसे बैग भर भर के फ्रीज से सारे सामान मुझे राधिका को दे देना पड़ा संडे कितने बजे हमारा फ्लाइट है सुबह पाँच बजे संडे हमारा फ्लाइट है तो अभी थोड़ा सा पैकिंग वैकिंग में ध्यान देना है इतनी सारी साड़ियाँ ली है आज या कल मैं आपको वो सारी साड़ियाँ दिखाऊंगी संडे तुम्हारे लिए और भी कुछ सरप्राइज संडे हाँ अच्छा पता नहीं दिमाग में क्या चलता रहता है क्या क्या सरप्राइज उससे मम्मा गुस्सा होगी या खुश होगी नहीं जानता प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मम्मा को तो माइलो का भी नया लेने के लिए देके आए हैं मिथुन और एक घंटा लगेगा तो एकदम मतलब पास में ही है तो इसलिए वहाँ पे बैठ रह के क्या फायदा इसलिए मिथुन अभी आर्यन को छोड़ने जा रहा है उसके प्रैक्टिस में और माइलो वहाँ पे नहाता रहे और मैं यहाँ पे डिनर बनाती रही तो डिनर की तैयारी हो चुकी है तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड की टेलर का शॉप है तो वहाँ पे जा रही हूँ मैं ब्लाउज बनवाने ये है मेरा साड़ी उस दिन जो आपको दिखाई थी ना उनमें से ठाकुर बरुण के दिन यानी कि दशहरा के दिन मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ वो ब्लाउज अभी तक नहीं बनवा पाई बोला था ना कि मेरा एक फ्रेंड है उनका यहाँ पे एक्चुअली वो फैशन डिजाइनर है तो यहाँ पे अपने में बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइन ये बनाते हैं तो ये देखो काफी फ्रेंडली है ना मुझे बहुत पसंद आया है और दिवाली के लिए मैं ऐसे ही कुछ बनवाने वाली हूँ तो यही मैंने से पूछा कि इतना कपड़ा चाहिए मुझे तो इसके लिए मुझे 4 मीटर चाहिए पर सिर्फ इसके लिए मैं 5 मीटर लूंगी उसमें जो नीचे का देखो आप कितना खूबसूरत है यार बिल्कुल लहंगा का रेप्लिका बोल सकते हो मतलब लहंगा में भी इतना फ्लर शायद नहीं आता एक एक साइड में इतना आता है पर मैं ऐसा नहीं बनवाऊंगी मैं प्लाजो में बनाऊंगी जो कि 2.5 मीटर कपड़ों में हो जाएगा जब भी आप आते हैं इतने अच्छे अच्छे कपड़े देखने को मिलता है कि लोग भी आके मुझे आने के लिए मना करते हैं और इसका ये भी देखो ना ये बहुत अच्छा बना है
बैक साइड तो मुझे बहुत पसंद है। लहंगा के लिए ऐसे बैक बहुत अच्छा लगता है ना, जैसा भी आपका साइज हो ना ये आ जाता है, बहुत अच्छा लग रहा है। और टोन ऑन टोन हैवी में दुपट्टा है, दुपट्टे भी ये रेडीमेड ही या बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउज के डिजाइन भी है। एक्चुअली मैं चाहती थी कि इंस्टा पे आजकल जो ट्रेंड में है वही सारे डिजाइन यहाँ पे मिल जाएगा। अमेजिंग। तो चलो अभी मैं अपना सिंपल सा ब्लाउज दिखा देती हूँ, क्योंकि सिंपल सा अभी इसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम देखते हैं। हाँ, दुर्गा पूजा के लिए इसका जो ब्लाउज है शायद ये होगा ना। हाँ, ये ब्लाउज है। एक्चुअली मेरा इसमें मन है कि ये जबकि पूजा पर्पस के लिए तो इसमें यहाँ तक आप स्लीव दे दो, और पीछे का जो है ना वो ऐसे यू में कर दो, थोड़ा डीप होगा, यू में कर दो। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दम आलू, वही पर आज एक्चुअली आलू पोस्तो बनाने का मन था, पर पोस्तो इतना कम था कि आलू पोस्तो हम तीन लोगों के लिए नहीं होगा। तो थोड़ा सा पोस्तो मैंने जिंजर गार्लिक टमाटर और ग्रीन चिली के साथ एक साथ ब्लेंड कर लिया है, तो इसी मसाला के हिसाब से मैं आलू दम बना लूंगी। तो दम आलू और आलू पोस्तो दोनों का ही टेस्ट एक साथ मिक्स हो जाएगा, एंड आई होप कि कुछ अच्छा ही होगा। तो डिनर है हमारा रेडी, और अभी डिनर में सर्व भी कर दूंगी। और ये है दम आलू का फाइनल लुक, जो कि इतना क्रीमी, इतना ठीक और अच्छा बना है। मतलब इसका जब खुशबू है ना, मैं बालकनी में खड़ी थी कुछ टाइम के लिए, एक अच्छा सा एक डिश का खुशबू आ रहा था मेरे नाक में, और फिर आते आते मैं सूंघ रही हूँ कि ये मेरे ही डिश में से आ रहे हैं, इतना अच्छा खुशबू आ रहा था। सो गाइज अभी टाइम है सोने की, और डिनर भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से मतलब एंजॉय किया। वेज भी हम बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं ना, अगर कुछ ऐसे मसाले दे जिसमें एक अलग ही टेस्ट आए, जैसे कि पोस्तो बाटा थोड़ा सा था, उसको रेगुलर के मसाले के साथ डाल दिया और इतना क्रीमी एक ग्रेवी बना के बहुत अच्छा लगा खाने में, और रोटी के साथ तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। और स्पेशली इतने सालों बाद दीदी भाई से मिलके भी बहुत अच्छा लगा, एंड कितना सारी चीजें बदल गए। पहले दीदी भाई का जो बाल था ना वो इतना लंबा था, भी लंबा है पर इतना लंबा नहीं, पहले उनका जो फोटो वो पोस्ट करते क्या करते थे तो इतना लंबा था, और भी ज्यादा घने और काले बाल थे। कुछ हद तक है, पर डे बाय डे होता है क्या है कि हमारा जो बाल है वो थोड़ा सा झड़ने लगता है। एज बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीजें चेंजेस होता है, और कितने सालों से मैंने बस फोटो में ही उन्हें देखा है, रियलिटी में इतने सालों बाद देखा है, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा। बाय द वे नेक्स्ट टाइम जब आएंगे यहाँ पे तो एक साथ कुछ दिन तक रहेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, और भी अच्छी तरह से हम थोड़ा सा एंजॉय कर पाएंगे। आज तो वैसे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि दीदी भाई भी ऐसे टाइम में वो आए थे एयरपोर्ट, थोड़ा सा जैम के कारण कि थोड़ा ज्यादा टाइम तक हम कहीं पे बैठ नहीं पाए,
पाए, थोड़ा सा कॉफी पिए और जल्दी जल्दी उनको निकलना पड़ा, तो यही बात है। तो वादा भाई चलिए, आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गया, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट एंड टेक केयर। I think I like it how it is.